ईएन मेथड एंड यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि आप अपना जियो मनी का वैलिड बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो चॉइस किए तो 101% सिक्योर ट्रिक बताने वाला हूँ, कंडीशन एंड साथ ही साथ गाइडलाइंस आपको पूरी प्रॉपर लिसन करना है, वॉच करना है, उसके बाद ही जाके आप इस ट्रिक को अप्लाई करना है। क्योंकि आपका पैसा 101% सेफ होना चाहिए, सेफ ट्रिक होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस ट्रिक को फॉलो करें। साथ ही साथ हमारी तरफ से आपको ईएन मेथड टेलीग्राम चैनल पे आपको व्हाट्सअप सपोर्ट मिल जाता है, तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो पूछ लीजिएगा, बेझिझक आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हम आपका रिप्लाई करते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करने के बाद ही आप इस वेबसाइट जो मैं बताऊंगा, जो गाइडलाइंस बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, उसको फॉलो करिएगा। इस ट्रिक के थ्रू जियो मनी वैलेट बैलेंस के साथ ही साथ आप ऑल वैलेट का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे। वो कोई भी वैलेट बैलेंस हो, एनी वैलेट हो, सभी वैलेट अवेलेबल हो, बजाज है, एयरटेल है, अमेजॉन है, सभी ऑल बैलेंस आप यहां से अपने बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। बस कंडीशन ध्यान में रखना होगा, व्हाट्सअप करना मत भूलिएगा अगर कोई भी आपका क्वेरीज एंड डाउट रह गया दिन तक। तो फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना जियो मनी या अमेजॉन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, साथ ही साथ कौन सी टर्म कंडीशन है, कितने चार्जेस लगेंगे और कितने टाइम में ये जो बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि पूरी फ्यूली कंडीशन के बाद ही आप इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा। क्योंकि यदि आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ तो आप मुझे ये मत कहिएगा कि आपका जो बैलेंस था वो फंस गया और आपकी वजह से, क्योंकि इसमें पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप कंडीशन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद आप इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा। तो जस्ट अब आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे आप चले जाइए या तो डायरेक्टली क्रोम ऐप को ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्रोम ऐप को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पे सर्च करना होगा यू प्रो मॉल, ये एक वेबसाइट है, इसके थ्रू आप अपना जो बैलेंस है उसको निकाल पाएंगे। 101% ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं और आपको यहाँ से सभी ऑल ब्रांड अवेलेबल हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी ब्रांड्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके थ्रू हम अपना जो बैलेंस है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पे यदि आपको जो भी अमाउंट बैलेंस निकालना है उतने का आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, जैसे मैंने पहले ही आपको वार्निंग दिया था। अब जस्ट मैं यहाँ पे अभी 1999 का एक प्रोडक्ट मैंने ऐड कर लिया है, इसको यदि आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो हम यहाँ पे जस्ट ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है ये एक शॉपिंग वेबसाइट है, इसके थ्रू अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये जो ट्रिक है इस ट्रिक को लगाएंगे। इसमें सिस्टम यह है कि यदि आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं या अपना रिफंड लेना चाहते हैं, तो कंपनी रिफंड आपके अकाउंट में करती है। तो इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे ये UPID मांगते हैं कि आप अपना UPID दे दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर UPID फॉर रिफंड रिलेटेड, तो हम इसी का यूज़ करते हुए अपना जो बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नोट 8% चार्जेस फॉर रिफंड प्रोसेस। यदि आपको रिफंड प्रोसेस करना है या रिफंड प्रोसेस करने के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको 8% चार्जेस देना होगा। इनका व्हाट्सअप सपोर्ट भी है काफ़ी अच्छा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। कितने दिन लगेंगे इसके लिए हम आपको आगे वीडियो समझाएंगे। तो जस्ट अभी आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। और यहाँ पे एक बात मैं आपको मेंशन कर दूं कि यहाँ पे 8% जरूर दिखा रहा है, लेकिन मैंने जब यहाँ से रिफंड प्रोसेस किया था तो 12% लगता है। मतलब जितनी बार भी मैं यहाँ पे रिफंड प्रोसेस करता हूँ उतनी बार ये 12% काटते हैं। तो मान के चलिए आप 1999 का यदि आप यहाँ से ट्रांजेक्शन करेंगे तो टोटल आपका 12% कटेगा, ठीक है। 8% इनका यहाँ पे चार्जेस है रिफंड प्रोसेस का, और साथ ही साथ जो 4% चार्जेस लेते हैं, ये 4% चार्जेस लेते हैं, ठीक है। आपका ये इनका अदर चार्जेस होते हैं वो 4% लेते हैं, टोटल मिला के इनका 8 से 12% चार्ज ये करते हैं। इसलिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपनी UPID डाल दीजिएगा रिफंड के रिलेटेड, और UPID डालने के बाद जस्ट चेकआउट करिएगा। तो मैं अपने यहाँ पे अपनी UPID मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पेटीएम की UPID डाल दिया है। डालने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको चेकआउट वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा, यहाँ पे एड्रेस डाल देना होगा। तो एड्रेस आप यहाँ पे डालने के बाद कंटिन्यू वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से आप एक दिन में 3000 के अंदर का ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, और पर डे आप सिर्फ 3000 का अंदर का ही प्रोडक्ट बाय करेंगे। और इसमें स्पैम मत करिएगा, कंपनी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि अपना प्रोडक्ट का जो बैलेंस है जो उसको रिफंड कराने के लिए आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक हफ्ते में एक ही ट्रांजेक्शन करिएगा, एक महीने में 4 बार आप ऑर्डर प्लेस करिएगा और रिफंड करिएगा। रिफंड का जो टाइम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ ऑनलाइन वाले पेमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं पे नाउ वाले सेक्शन में क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पे नाउ वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करना जस्ट अभी आपको यहाँ पे जस्ट नीचे आना होगा। आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉलेट का, इस वॉलेट वाले आपको सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। फिर से मैं आपको 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इजिली अपना जो बैलेंस है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएँ। देखिए, सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे स्पैम नहीं करना है। कंपनी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप यहाँ से स्पैम कर रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पे शॉपिंग करने नहीं आए, बल्कि आप यहाँ पे अपना बैलेंस ट्रांसफर करना है। ये कैसे नहीं पता चलेगा? तो ये स्टेप्स नहीं पता चलेगा कि अगर आप पर डे ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करेंगे और रिफंड का प्रोसेस डालते रहेंगे तो कंपनी को पता चल जाएगा। हाँ, ये है कि आप
आप एक महीने में एक बार यहाँ मतलब एक हफ्ते में एक बार आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करिए, मतलब कोई भी ऑर्डर बाय करिए, और बाय करने के बाद ऑर्डर आप छोड़ दीजिए। जब आपका ऑर्डर डिलीवर दिखाएगा वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑर्डर आपके घर तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, ऑर्डर आपके घर तक नहीं पहुँचेगा, घर से पहुँचने से पहले आप वहाँ पर रिफंड का प्रोसेस डाल दीजिए। मतलब जैसे डिस्पैच हो, डिस्पैच होने के बाद आपको दीजिए, डिस्पैच हो गया, एक्सेप्ट होगा, तो आप रिफंड का प्रोसेस, रिफंड का प्रोसेस डालेंगे तो डालने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर दिखाएगा जरूर। वहाँ पर जैसे आप रिफंड प्रोसेस करते हैं ना, वहाँ पर डिलीवर दिखता है, मतलब प्रोडक्ट होते हैं। आपकी जब रिफंड प्रोसेस आता है, जब रिफंड आता है आपके अकाउंट में, तो वहाँ पर लिख के आता है ऑर्डर नंबर में, साथ ही साथ लिख के आता है कि आपका जो बैलेंस है वो इस ऑर्डर के भी आपका रिफंड किया जाए आपके अकाउंट में, जो UPI आप देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। और अब आप मैं को आपको कहूँगा कि भाई आप एक ही बार पहले ट्रांजेक्शन करके देखिए, जब आपका रिफंड आ जाए तब आप दोबारा इसमें ट्रांजेक्शन करिए। तो फर्स्ट टाइम ये आप कर सकते हैं, लेकिन 101% मैं श्योर हूँ कि आपका जो बैलेंस वो रिफंड किया जाएगा, और 101% ट्रस्टेड कंपनी है। ठीक है, तो 3000 के अंदर का ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा वन टाइम के लिए, फिर सेकंड टाइम। और एक बात और मैं बता दूँ कि एक साथ सभी लोग जाकर ट्रांजेक्शन मत करने लगेगा, कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एक साथ पहुँचे नहीं। अगर मैंने आज की वीडियो अपलोड किया है तो आप लोग अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करने के बाद रिफंड का प्रोसेस, ऑर्डर आज आपने किया तो रिफंड का प्रोसेस आप कल शाम को ही आप वहाँ पे मेंशन करिएगा कि मुझे रिफंड चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आज ही ऑर्डर किया और आज ही आप जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दें, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कुछ मेन पॉइंट है जो मैं आपको कवर कर रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आप रिफंड का जब प्रोसेस डालेंगे तो आपको बार बार उनको मैसेज करके नहीं बोलना कि मेरा बैलेंस रिफंड करिए। ठीक है, रिफंड आप वो अपने हिसाब से प्रोसेस कर देते हैं, कम से कम समय में कर देते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा ज़्यादा आप उनको मैसेज करेंगे तो उनको ये लगेगा कि यार आप लगता है कि आप सिर्फ रिफंड के लिए आए हैं। ठीक है, तो आप उनको कर दीजिए जेन्युइन कंपनी, अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफंड आ जाता है। ठीक है, अब जस्ट मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आपका रिफंड कितने दिनों में आता है। तो जस्ट अभी आप वॉलेट वाले सेक्शन में क्लिक करना है, क्लिक करना है, जस्ट अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन में आपको यहाँ पे अमेजन पे का ऑप्शन शो हो रहा है, इस वाले सेक्शन में आप क्लिक करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या पेटीएम है, या बजाज पे, फ्रीचार्ज, एयरटेल पेमेंट बैंक, ओला, यहाँ पे जियो, पेपाल, यहाँ पे बहुत से आपको यहाँ पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ से आप शॉपिंग करते वक्त आप इन सब पेमेंट का पेज का यूज करके, पेमेंट वॉलेट का यूज करके आप बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आसान सा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। तो यदि आप इसमें अब आपको मान के चलिए अमेजॉन पे आपको सेक्शन में क्लिक करना है, क्लिक करके आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो अमेजॉन वाले पे वाले सेक्शन में आप क्लिक करेंगे, क्लिक करना, जस्ट अमेजॉन पे का जो अकाउंट है उसको आप लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने यहाँ पर अमेजॉन पे का जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने यहाँ पे मेरा जो अमेजॉन पे का जो वॉलेट है, बैलेंस है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी वॉलेट में कोई बैलेंस नहीं रखा है। ठीक है, तो अगर आपके वॉलेट बैलेंस होगा तो आपको वो डायरेक्टली आपके यहाँ से अमेजॉन पे से कट जाएगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इस टाइप से आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, और अगर आप अपना गिफ्ट कार्ड का बैलेंस निकालना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। यदि कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, आने के बाद वहाँ पर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर डायरेक्ट करके अपना जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपको इसी तरीके से आपको अच्छे कंटेंट के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। एक हफ्ते में एक ही बार हमारे कंटेंट अच्छे आएंगे, बाकी आपको रेगुलर कंटेंट तो मिलते रहेंगे, बट अच्छे कंटेंट के लिए आपको टेलीग्राम